भागलपुर बम कांड से ततारपुर थाना क्षेत्र के काजब लीचक के लोगों पर हुए बम विस्फोट से पूरा इलाका अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया है। इसका कारण पटाखा बनाने का कारोबार था। भागलपुर बम कांड को देखते हुए प्रशासन ने कई जगह पटाखा व्यवसायियों को सूचना भी जारी की थी कि अवैध तरीके से पटाखा नहीं बेचा जाएगा। फिर भी कई जगहों पर छापेमारी कर पटाखे को जब्त किया गया था। आज फिर करीब 625 कार्टून अवैध पटाखा भागलपुर जिले के कजरेली थाना अंतर्गत गौरा चक्की पंचायत के दरारे गाँव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जब्त किया गया। बीते दिन शहर में हुई घटना को लेकर ग्रामीणों को डर लगा रहता है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। आपको बताते चले कि यह गोदाम गांव के बीचों बीच है। वहीं मीडिया से बात करते हुए सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यह गोदाम प्रदीप मवांडिया का है, जो चुनहारी टोला कोतवाली के रहने वाले हैं। यह अवैध रूप से पटाखे का व्यवसाय कर रहे थे। अभी अनुसंधान जारी है। विस्फोटक पदार्थ छुपा के रखे गए हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और गोदाम से करीब 625 कार्टून पटाखा बरामद किया गया है। ये सारे पटाखे अवैध हैं और जो गोदाम के मालिक है और पटाखा जिनका है उन पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिनका गोदाम है उनका क्या नाम बताया जा रहा है? अभी तक के अनुसंधान में पता चला गोदाम के मालिक का नाम प्रदीप मांडविया है, जो चुनहारी टोला कोतवाली के रहने वाले हैं। और भी वेरिफिकेशन चल रहा है। अब नहीं कहा है क्या? अभी अनुसंधान चल रहा है, अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है। और भी जो डिटेल्स होगा उसको आपको बताया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।